हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एसपी टुड्डू। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर। ये आपके काम का वीडियो होने वाला है दोस्तों। आज मोबाइल फ़ोन हर घर का ज़रूरत हो गया है, और बच्चों को तो मोबाइल फ़ोन देना ही देना है। ये ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हो या और सारी चीज़ों के लिए, ये आज तो गवर्नमेंट भी बोल दिया कि आपको मोबाइल फ़ोन बच्चों को देना ही देना है। तो ऐसे में क्या होता है कि मैंने देखा है बहुत सारे घरों में जिनके पेरेंट थोड़े मोबाइल और इंटरनेट की जानकारी कम रखते हैं, या तो जानते हो, जानकारी रखते हो, फिर भी वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। वैसे बच्चों में एक लत लग जाती है, पता नहीं कहाँ से एक संगत पड़ जाती है, कुछ गंदी साइट्स विजिट करने के। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक करें कि कहीं आपका बच्चा भी तो इन साइट्स को विजिट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना है कि आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र, अधिकतर दो ही ब्राउज़र होते हैं। एक तो ये जो मोबाइल की तरफ से एक ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें इस मोबाइल के लिए ये MI ब्राउज़र है, तो इसको खोल लेना है आपको। और आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में दाहिने साइड 3 डॉट्स हैं लाइन, वहाँ जाके आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, बुकमार्क्स एंड हिस्ट्री। यहाँ पे आप रिसेंट बुकमार्क्स मेरा देखेंगे तो वहाँ पे 2 बुकमार्क्स हैं जिनको मैंने रखा है, और ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में ये लास्ट मैंने इस साइट को विजिट किया था वो दिखा रहा है। अब इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है, आप कितने दिन पीछे तक का देखना चाहते हैं कि इतने दिनों में कौन कौन से साइट्स इस मोबाइल से विजिट किए गए हैं इस ब्राउज़र के माध्यम से। तो यहाँ पे ये कल का है और यहाँ पे 7 दिन तक का, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 दिन तक मैंने, पिछले 7 दिनों में मैंने कौन कौन से साइट्स विजिट किए हैं। तो यहाँ पे भी 7 दिनों में सिर्फ एक वेबसाइट दिखा रहा है। अगर 1 मंथ का देखें तो मैंने इन सारे साइट्स को विजिट किया है, आप इधर तक देख सकते हैं। आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि आप के मोबाइल से इस ब्राउज़र के माध्यम से कितने सारे साइट्स का विजिट किया गया है। अब आगे चल के दिखाते हैं दूसरे ब्राउज़र में, ये है गूगल क्रोम का ब्राउज़र, इसके माध्यम से कौन कौन से साइट्स विजिट किए गए हैं। दोस्तों जुड़े रहिए, अंत में बताऊंगा कि एक ज़रूरी बात, इससे भी ज़रूरी बात। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पिछले कई दिनों समय में ये सारे साइट्स विजिट किए हैं। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर आपका बच्चा थोड़ा होशियार हुआ, जानकार हुआ, तो इन वेबसाइट्स को डिलीट कर सकता है, हिस्ट्री को डिलीट कर सकता है। उसके लिए क्या करना है, या तो एक एक करके इस तरीके से जहाँ क्रॉस लिखा हो वहाँ पे टच कर दे तो वो हिस्ट्री चला जाएगा, ये हिस्ट्री चला गया। या तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, इसमें टाइम दिया हुआ है कि लास्ट 24 आवर्स, 7 दिन, ऑल टाइम सारी हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकता है। तो अगर उसने ऐसा डिलीट कर दिया है तो आप कैसे पता करें कि उन्होंने कौन कौन से साइट्स विजिट किए हैं। या तो आप अगर वैसे साइट्स को विजिट करना चाहते हो या करते हो, और आप हिस्ट्री से आप भी डिलीट कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा कहीं से
इसको न देख ले और उनको लत लग जाए। तो अगर बच्चा आपका डिलीट कर दिया है और आपको तो उस केस में नहीं पता चलेगा, तो उस केस में आप उसको कैसे पता करेंगे? उसकी अगर जानकारी चाहिए होगी आपको तो कृपया करके आप नीचे कमेंट में लिख दें, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यही जानकारी थी आज के लिए। होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपने और फैमिली में फैलाएं। हमको लगता है हर फैमिली में अभी बच्चा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी का भी मदद हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखें, इस कोरोना के आपदा में आप अपनों का ख्याल रखें। हाँ, अभी ये जानकारी ख़त्म हो गई है, अभी थोड़ा सा बस ऐसी ही बात कर लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो छोड़ दें और चाहे तो हमारी कुछ बातें सुन लें। और 3 मिनट बोलूँगा, इस वीडियो का लेंथ मैं 10 मिनट रखने वाला हूँ। कोरोना की इस पैनडेमिक मोमेंट में आप यथासंभव लोगों का मदद करें। मैं ये मदद कर रहा हूँ क्योंकि अभी मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें ज़्यादातर चांस है कि गलत इस्तेमाल भी हो। तो दोस्तों ठीक है, 10 मिनट छोड़िए, 7 मिनट में ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय।